वरजा केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की जा रही है। आवास की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। आम आदमी पार्टी ने दायर की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 26 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की जा रही है। आवास की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। आम आदमी पार्टी ने दायर की है याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 26 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। गुलमर्ग में आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश की जा रही है। 24 अक्टूबर को बारामूला में हुआ था आतंकी हमला। हमले में सेना के दो जवान शहीद हुए थे, दो नागरिकों की भी जान गई थी। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। गुलमर्ग में आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश की जा रही है। 24 अक्टूबर को बारामूला में आतंकी हमला हुआ था और सेना के दो जवान शहीद हो गए थे, दो नागरिकों की जान भी गई थी और अब लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जवानों की तरफ से किया जा रहा है। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर इमारती लकड़ी की तस्करी करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शव वाहन में तस्करी कर रहे थे। वन विभाग ने शव वाहन सहित कीमती लकड़ियां बरामद की। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने करजी चौक पर तस्करों को पकड़ा। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां इमारती लकड़ी की तस्करी करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शव वाहन में तस्करी कर रहे थे। वन विभाग ने शव वाहन सहित कीमती लकड़ियां बरामद कर ली है। गरियाबंद में अवैध क्लिनिक पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डोंगरीगुड़ा गांव में चल रहे अवैध क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया। घर में बिना डिग्री के ही क्लिनिक चल रहा था, जहां प्रशासन ने घर को सील कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन को मौके पर बड़ी मात्रा में दवाइयां भी मिली हैं और इन दवाओं को भी जब्त कर लिया गया। तहसीलदार और बीएमओ ने यह कार्रवाई की है। तो बिना डिग्री के ये क्लिनिक चलाए जा रहे थे और इन क्लिनिक्स पर छापेमार कार्रवाई की गई है और सभी क्लिनिक्स को बंद कर दिया गया है।